नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का बादशाह बना भारत। फाइनल में श्रीलंका को 34 रन से हराकर बना चैंपियन। कप्तान अभिषेक शर्मा बने मैन ऑफ द मैच। ओलंपियन शिवा ने एशियाई ल्यूज चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण। केशवन ने दो हीट की रेस में 1:39 का बेहतरीन समय निकाला। 130.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहले स्थान पर रहते हुए सोने पर कब्जा जमाया। एक और अश्विन ने दिखाया कमाल। रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल मैच में तमिलनाडु के तेज गेंदबाज अश्विन ने लिए 6 विकेट। पहले दिन 88 रन पर सिमटी कर्नाटक। हालिया टेस्ट सीरीज के हीरो करुण नायर और लोकेश राहुल भी रहे नाकाम। ग्रेटर नोएडा के क्रिकेट स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय मैच कराने को मिली मंजूरी। पिछले सप्ताह आईसीसी की टीम ने स्टेडियम का किया था निरीक्षण। शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम में जल्दी खेले जाएंगे अंतरराष्ट्रीय मैच। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने दी विश्व कप के नियमों में बदलाव को मंजूरी। 2018 में होने वाले विश्व कप में अब 16 टीमें लेंगी हिस्सा। सभी मैच 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर वाले प्रारूप में खेले जाएंगे। नियम 1 जनवरी 2017 से होगा लागू। ये तो हुई खेल जगत की खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।